जब हमारे दिल के अंदर में चाहत होती है ना यीशु मसीह को पाने के लिए, जब हमारे अंदर में चाहत होती है ना तो हमारी आवाज़ होती है ना, हमारे अंदर से अंतरात्मा आवाज़ करती है ना, जब हमारे दिमाग में उसका चलता है ना, जब हमारे बदन में झंझनाहट होती है, हम उसकी चाहत करते हैं तो हमसे वो मुलाकात करता है, आता है, देख लेता है और कैसे नाम लेके बुलाता है। आप सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। जय मसीह की, यीशु सहाय। आज अपन प्रभा के गीत को सुनेंगे जिसमें वो वर्णन करती है कि यहोवा तेरे सामर्थ का यश मैं गाऊंगी, यहोवा मैं तेरे सामर्थ का यश गाऊंगी, अपने ओठों से तेरी स्तुति करूंगी, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, चट्टान है, शरण स्थान है। इसी वर्णन को लेकर गाती है और उसके बाद अपन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। मैं आज आप लोगों से लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 10 वचनों को लेकर बात करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार में चुंगी लेने वाले जक्कई करके ये चैप्टर के ये ऊपर लिखा हुआ है और जक्कई की घटना जो है इसने 10 वचनों में पूरा करके बता दिया है। बाकी किसी सुसमाचार में इसका वर्णन नहीं है, किसी ने जिक्र नहीं किया है और ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मैं शुरू में ये सोचता था जक्कई मतलब बहुत नाटा सा बौना सा, सर्कस में जैसे बौने लोग होते हैं ना वैसे टाइप का बौना होगा ऐसा सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसको कमेंट्रीज वगैरह में पढ़ के काफ़ी थोड़ा रिसर्च करके देखा है कि ये 4.5 फीट का आदमी था। वहाँ के लोगों के बीच में ये नाटा कहलाता था और नाटा भी था
और ये एक चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब चुंगी लेने वाले जितने हैं उसका एक बॉस था। अब ये देखें ये कैसे इसके अंदर में यीशु मसीह को देखने की चाहत होती है, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस 19वें अध्याय के शुरू में ऐसा लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। मे बी ये लास्ट जर्नी ऑफ जीसस टू जेरूशलेम करके कहीं तो भी पढ़ा था। इसके बाद से वो पाम संडे वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है। अब बिफोर हिज क्रूसिफिकेशन ये इसका लास्ट जर्नी था। अब देखिए ये यरीहो जो है एक श्रापित जगह है, ये तो सबको मालूम है। और यहोशू के पुस्तक में शायद मैंने कभी पिछले बताया भी था, शायद पता नहीं कहीं तो भी बोला था अभी रिसेंटली। और उसमें जो है कैसे टाइप के वो शारपना उसका गिरता है, राह वेशा कैसे है, क्या है, वो सारी चीज़ें मालूम है। लेकिन इतना है कि ये श्रापित जगह है और इसको ऐसा श्राप परमेश्वर ने दिया है कि यहोशू 6:26 में कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, जो इस शहर को बनावेगा वह श्रापित होगा, और जब नींव डालेगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा, और जो फाटक लगाएगा तो उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ऐसा करके यहोशू में श्राप दिया गया था इस जगह को, और ऐसा ही हुआ। पहला राजा उसका 16 अध्याय उसके 34वें वचन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। बेतेल वासी हीएल ने यरीहो को फिर से बताया, जब नींव डाली तो जेठा अबीराम मर गया, और फाटक खड़े किए तो उसका छोटा सगूब मर गया। ये पूरा हो गया श्राप। ये श्रापित जगह है, यरीहो में इतनी श्रापित जगह है कि इस श्रापित जगह पर जन्म का अंधा वहीं भीख मांग रहा था। इसकी के लूका रचित में भी आपको मिल जाएगा, ये 18वें अध्याय में उसी पन्ने में देख रहा हूँ, 35वें वचन से लेकर आप उसके 43 वचन तक आखिरी तक पढ़ेंगे तो वो अंधा जो है वहीं यरूशलेम में वहीं भी यरीहो में बैठ के क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। उसको कहाँ से भीख मिलेगा? लेकिन यीशु मसीह को देखा हो तो बोलता है, कौन है? तो अंधे को बोले कि यीशु मसीह जा रहा है। तो बोलता है, हे दाऊद के संतान, कहीं सुना होगा भाषण में, क्रिसमस विसमस का अटेंड किया होगा दाऊद के वंश से आया करके, और बोलता है, और वो फीबल आवाज जो है उस अंधे का, उस भीड़ में भी यीशु मसीह को सुनाई दिया, और उसने बोला उसको लाओ। बोले तू क्या चाहता है? तो बोले मैं आंख की दृष्टि चाहता हूँ। सही चीज मांगा तो उसको दिया, कुछ अंटसंट मांगता तो फिर मुश्किल हो जाता। सही चीज उसने मांगा, जो उसकी कमी थी उस चीज को उसने मांगा और वो पा गया। देखिए यरूशलेम ये जाने के समय ये जो है यरीहो से होके जा रहा था, और यरीहो जा रहा था उस समय चुंगी लेने वालों का सरदार जक्कई था। ये जक्कई तो चुंगी लेने वालों का सरदार था, लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती को भी बचाया जो कि चुंगी लेने वाला था। मतलब ये जो है चुंगी लेने वाले जो इतना समूह है उसका बॉस था, डॉन था, और वो उसमें से एक कर्मचारी था मत्ती। उसको यीशु मसीह ने उसी चैम्बर में कैश काउंटर में बैठा था जब, और उसी समय उसको बुलाया, वो उसके पीछे हो लिया, और वो रात को सबको बुला के चुंगी लेने वाले फरीसी वरीसी जितने भी उसके दोस्त वैसे ही तो रहे होंगे गुंडे लोग का, तो सबको बुलाया, खाना सबको डिनर पार्टी दिया, और उस डिनर पार्टी में ऐलान किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, मेरा जीवन बदल गया है, अपनी टेस्टिमनी दिया है। अब बोले कि आई नेवर रिग्रेट फॉर देट, मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने सही चीज़ को पा लिया है। शायद उसको भी ये जक्कई सुना होगा कि इसी के कोई आदमी जो है ये यहाँ पर बचा है, यीशु मसीह के पास चले गया है, तो मैं भी यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। ये सरदार था और धनी था, धन मतलब इसके पास पैसों की कमी नहीं थी। ये क्या करते हैं, रोमी सरकार जो है ये ऑक्शन करते थे, इन लोग बिडिंग करते जिसको बोलते हैं ना, कि लीलाम करते थे कि ये इतने इतने ठेके लेके कि कितने में रहेगा, जो ज़्यादा बोली बोलेगा उसको मिल जाता है, और जितना बोली बोला, जितने लाख जितना करोड़ बोला है उतना कलेक्ट करके इनको देना पड़ता है, और उसके ऊपर जितना भी कलेक्शन हो जाए वो इनका रहता है, इसलिए भरपाई से पैसा लेते हैं और मनमानी कमाई रहता है, बहुत पैसे वाले रहते हैं, पैसा 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 सब कुछ है, लेकिन इसके पास वो चैन नहीं लगता जक्कई के पास, क्योंकि वो भी चाह रहा था, उसके अंदर भी कुछ हो रहा था, जब मत्ती गया तो शायद कुछ होगा, देखना चाहता था कि कौन सा है। और ये पैसा जो इसके पास है वो धनी होने के बाद भी ये वो भीड़ में गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये देखना चाहता था। देखिए पैसा जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये नीति वचन उसका 10:22 में कहता है, धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है और उसके साथ कोई दुख नहीं होता कहता है। वैसी व्यवस्था विवरण 8:18 में कहता है, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है
क्योंकि ऐसा पूर्वजों से उसने शपथ खाई थी उसको पूरा करने के लिए देता सामान। पैसा है तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सब कुछ है। मनी कैन बाय मेडिसिन बट नॉट हेल्थ कहता है। मनी कैन बाय कंपेनियनशिप बट नॉट फ्रेंड्स। पैसा रहे तो दोस्त यार तो हमारे जो बुढ़ाऊ पुत्र का समझ गया ना कि छाए रहेंगे साथ में। जैसा पैसा खत्म खेल खत्म। सच्चा मित्र कोई नहीं मिलता। आवश्यक समय पे जो सहायता करता है ना वही सच्चा मित्र होता है। और वो भी नहीं है मतलब मनी कैन बाय ए हाउस नॉट होम। एक बिल्डिंग खरीद सकता पैसे से लेकिन उसमें बसने के लिए परिवार तुम नहीं खरीद सकते हो। वो प्यार मोहब्बत नहीं प्राप्त हो सकता पैसे से। वैसे ही मनी कैन बाय ए बेड बट नॉट स्लीप। पैसा जो है एक अच्छा पलंग खरीद के तुमको दे सकता है लेकिन नींद तो तुमको तभी आएगी जबकि तुम्हारे अंदर में चैन होगा। मनी कैन बाय गुड लाइफ बट नॉट एटर्नल लाइफ। कंक्लूजन यही है कि पैसा अच्छा जीवन दे सकता है, शान शौकत दे सकता है लेकिन अनंत जीवन नहीं दे सकता है। मतलब ये हुआ कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। सारे जगत पूरा पैसा तेरे पास में आ गया क्या फायदा हुआ? चैन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये टैक्स कलेक्टर्स जो हैं रोमी सरकार को पैसा देने के साथ अपनी डबल इनकम करके चौगुना इनकम करके ये अपना इनकम करके रहते थे इसलिए ये धनी हो गए। लेकिन ये जो है इस जक्कई इसके अंदर में पाप का बीज था। हमारे हर एक के अंदर में वही पाप का बीज है। मेरी जो अपन से ये मनुष्य हैं पैदाइशी हमारे अंदर में वो गुण आता है। जो चीज़ नहीं करने को है वही चीज़ करते हैं और जो चीज़ करने का है उसको हम अवॉइड करते हैं। ये टेंडेंसी है, ये हमारी मेंटालिटी है। ये क्या है कि ये बॉन्ड क्वालिटी हमारे अंदर में है। ये पाप जो बीज हमारे अंदर में है जो हमारे पूर्वजों ने आदि माता पिता ने क्या किया अदन के बगीचे में जो काम किया। जब परमेश्वर ने ठंडाई के ठंडे समय पर जाके बुलाया तो कहाँ है? तो छुप गए, पत्ते ढाक के बैठे हैं। क्या बोलते हैं? हम नंगे हैं। नग्नता उनको नजर आई। मेरे को लगता है इसके पहले उनके बदन में उनके अंदर में इतनी रोशनी थी कि nobody can see what is there। कुछ दिखता नहीं होगा तो रोशनी के मारे। जैसे ही वो रोशनी आत्मिकता की खत्म हो गई उनको सारा चीज दिखने लगा कि देव नंगे हैं। अपनी ओरिजिनलिटी उनको समझ में आ गई। इस उम्र परमेश्वर ने उनको सब उस बगीचे से अदन के बगीचे से निकाल दिया। और मैं आपको बताता हूँ ध्यान से सुनिए इस बात को कि अदन के बगीचे से निकाल दिया और निकलने के बाद उस अदन के बगीचे में लौटाने की प्रक्रिया जो है ये बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वही प्रयास किया है कि हम वापस उस अदन के बगीचे में चले जाएं। कैसे इंतजाम खुदा ने किया था और क्या हो गया है ये सब चीजें कैसे कि जक्कई जो है चुंगी लेने वालों का सरदार था इसको अच्छा नहीं। अरे उतने वो ये भी मैं सुना हूँ ऐसा भी कहीं किसी ने बताया है कि जैसे किसी को बोलना है तो ये कुत्ता है ये है वो है करके बोलते हैं शब्द वैसे इसको चुंगी लेने वाला करके बोलते हैं ना। टैक्स कलेक्टर करे वो भी एक गाली था। ऐसा लोग उसको मानते थे, नीच मानते थे। कोई भी इनको अपने पार्टी में कहीं घर बुलाते नहीं थे। घर आते दरवाजा बंद कर लेते थे। इनसे डरते भी थे और इनके संगति भी नहीं चाहते थे क्योंकि ये बुरे आदमी थे। इनके साथ में रहना कोई भी नहीं चाहता था। ये क्यों मतलब ये हुआ कि ये जो है चुंगी लेने वालों का सरदार था। ये अच्छा आदमी नहीं था। ये धनी था और धनी होने के बाद भी इसमें चैन नहीं था। इसलिए वो क्या किया कि यीशु मसीह को देखना चाहता था। और देखने के लिए मतलब खोजोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोलोगे, खोजोगे। एक बार क्या हुआ हमारे एक प्रोफेसर साहब सोशियोलॉजी के शर्मा जी करके हैं, सवेरे वो उनका भी क्लास रहता था, दुर्ग से आते थे। और जब आ रहे थे तो वो मेन गेट पे जहाँ मूर्ति हमारी थी विजय की उसके पास में वो थे। मैं पीरियड लेने के लिए भाग रहा था, मेरे ऊपर में क्लास था बीकॉम सेकंड ईयर में, बहुत भीड़, 200 बच्चे करीब रहते थे उस समय। तो अब बोलने के लिए थोड़ा देर हो जाता, हल्ला होता था, मैं भाग रहा था। उतने में शर्मा जी उधर सारे देवता सुन 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 सुन। मैं बोला क्या है सर? तो बोले मांगोगे तो मिलेगा, खोजोगे तो पाओगे, और तीसरा क्या है बोल। मैं बस में पूरा बैठ के वही सोच रहा हूँ, मेरे को आ नहीं रहा। मैं बोला तू खटखटाता रे, मैं आता हूँ। हाँ समझ गया समझ गया। बाद में बताया मेरे को कि बाइबल पढ़ता हूँ और उसी में मेरे को वो याद आ रहा था और पूरा नहीं हो पा रहा था। तो एक शब्द बोला मैं पकड़ लिया। मतलब क्या है? तुम खोजोगे
तो तुम पाओगे। यर्मयाह उसका 29 और उसके 13वें वचन में क्या बोलता है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, देखिए बाइबल से। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे, तब ऐसी खोजने से नहीं मिल जाएगा। तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन तब पाओगे जब संपूर्ण मन से तुम मुझको ढूंढोगे। देखिए मतलब कैसे है। एक किसी ने बाइबल में कोई प्रश्न कर रहा था कि हाउ वन कैन बी सेव्ड, एक कोई भी कैसे उद्धार पा सकता है, कैसे बच सकता है। तो फट से सभी लोगों ने आंसर दिया कि रिपेंटेंस। बोले ये तो ठीक है, वन ऑफ द स्टेप्स है, एक एक सीढ़ी है, एक चरण है उसका। लेकिन असली चीज जो है क्या बताएं, कि जब तुम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा करोगे, देखोगे, जब देखने की इच्छा आएगी तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर में क्या कमी घटी है। और जब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर में क्या कमी है, क्या पाप है, तब तुम उसके लिए पश्चाताप करोगे। तब होगा, पश्चाताप तो है लेकिन पहला देखना है। ये चीज मतलब ये हुआ कि हमको परमेश्वर के लिए देखना है, और जो देखना है उसके लिए हमको चाहिए, एक चाहत हमारे अंदर में होनी चाहिए। और तीसरे वचन में कहता है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। मतलब बौना नहीं था, मैं बताया ना, नाटा था मतलब छोटा था, मतलब एवरेज हाइट के बीच से भी वो कम था। तब उसको देखने के लिए वो दौड़ कर गया, मतलब इतनी एंजाइटी थी उसकी, क्यूरियोसिटी थी कि दौड़ कर गया। दाऊद भी जब गया था गोलियत को मारने के लिए, तो वो नाश्ता पानी जो दिया उनको दे देना करके, और फिर दौड़ा, दौड़ के गया। एक एंग्जाइटी, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए हमारे अंदर में, काम करने की क्षमता और इच्छा और एक लत होना चाहिए हमारे अंदर में, तब कहीं काम पूरा होता है। मतलब दौड़ कर गया, कैसे करना, देखना है विषय, देख ले। लेकिन जैसे दौड़ के जाने करते हैं ना, हमारे अंदर में कुछ ना कुछ अवरोध आ जाता है, कुछ अड़चने आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ तो भी अटक जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, जब जक्कई जो ध्यान देगा, इसके लिए सबसे पहली चीज जो है, he was short, पहला बोलता है वो नाटा था, और एक दूसरी चीज है भीड़ थी। दो चीजें, मतलब नाटा प्लस भीड़ बराबर इसका अवरोध था, इसका जो ऑब्स्टिकल था, इसका जो अवरोध था, इसके लिए जो मार्ग को रोक रहा था वो था भीड़, और दूसरा जो है ये इसकी हाइट। एक तो मतलब फिर क्या सवाल क्या उठता है, अपने हाइट को बढ़ाना है, अपनी ऊंचाई को बढ़ाओ, आत्मिक ऊंचाई को बढ़ाओ, आत्मिक चाहत को बढ़ाओ, दुआ बढ़ाओ, बाइबल पढ़ो और प्रयास करो और आत्मिकता को मजबूत करो, आगे बढ़ाओ। और ये भीड़, कौन सी भीड़ उसके सामने थी मालूम, सब रिलीजियस भीड़ तो थी उनके सामने, यीशु मसीह के पीछे प्राय प्राय, मतलब उसके जो है चाहने वाले लोग हैं, उसके अनुसार चलने वाले लोग होंगे। लेकिन वही लोग हैं जो कि वो बर्तिमाई के पुत्र बर्तिमाई को बोलते हैं चुप, आवाज मत कर, और वो भीड़ जो है ये इतनी भीड़ है कि ये जा नहीं सकता। लेकिन ये मैं कहता हूं कि एक तो भीड़ को महसूस किया, लेकिन भीड़ को चीरता हुआ भी तो जाने वाले लोग हैं। वो स्त्री 12 वर्ष की लहू वाली, वो स्त्री जाके कैसे भी गिरे पड़े, जाके आखिर में उस अंगरखा को छुई और वो ठीक हो गई। ये अंधा चुप करो चुप करो चुप करो तो भी चिल्लाया, आवाज यीशु मसीह के कान में चले गई, ये भी चंगा हो गया, वो भी चंगी हो गई। और ये जो है इसका तरीका जो है अपना अलग तरीका है इसका अलग। ये क्या दौड़ा जरूर है, लेकिन दौड़ के इसने क्या किया, भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, तो दौड़ के इसने क्या किया, तब उसने देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। दिमाग तो काम किया इसको, ये गुलर के पेड़ पर चले गया, पेड़ पर चले गया तो पेड़ के ऊपर से वो देख रहा है। अच्छा ये मेरे को देखिए, जरा सोच के देखना मेरे साथ में, भीड़ जा रही है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, कोई जय जयकार कर रहे होंगे, कोई गाने गा रहे होंगे, हालेलुया बोलते होंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलते होंगे, कोई दुआ कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे, कोई अपना रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कुछ कुछ कर रहे होंगे। यीशु मसीह चल रहा है भीड़ के साथ और मारा मारी चल रहा है, और उसमें पेड़ के ऊपर क्या हो रहा कौन देखेगा, बताओ ना, तुम को दिख सकता है क्या। वो भी ये नाटा आदमी चढ़ गया, एक अच्छे डंगाली पे गया होगा, जहाँ पर जो रास्ता उसको सबसे पहले देखे, ही नोज द वे ऑफ जीसस, यीशु मसीह का मार्ग इसको मालूम था, जो उनसे मार्ग से जा रहा है इसको मालूम था, उस मार्ग को देख के वो सोच के
पहले से एंटिसिपेट करके वो चढ़ गया और वहां से दर्शन करने का। जब हमारे दिल के अंदर में चाहत होती है ना यीशु मसीह को पाने के लिए, जब हमारे अंदर में चाहत होती है ना तो हमारी आवाज होती है ना, हमारे अंदर से अंतरात्मा आवाज करती है ना, जब हमारे दिमाग में उसका चलता है ना, जब हमारे बदन में झंझनाहट होती है, हम उसकी चाहत करते हैं तो हमसे वो मुलाकात करता है, आता है, देख लेता है। और कैसे? नाम लेके बुलाता है। क्या इसको क्या किया इसने? नाटा था उसको देखने के लिए, वह दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, इसको कैसे मालूम ऊपर भाई करके, लेकिन देखिए यीशु मसीह जानता सब कुछ। हे जक्कई, झट उतर गया, नाम भी लिया है, वो मेरा नाम जानता है, तुम्हारा नाम जानता है, मैं शायद किसी में बोला था, हमारी हर चीज उसको मालूम है, नाम जानता है, नाम लेके बुलाया। जैसे शुरू से अपन देखिए कि नाम लेके बुलाया उसने, सबको नाम लेके बुलाया, जैसे आदम को नाम लेके बुलाया, यहोशु को नाम लेके बुलाया, दाऊद को नाम लेके बुलाया, डैनियल को नाम लेके बुलाया, पीटर को नाम लेके बुलाया, यहुन्ना को नाम लेके बुलाया, उसके बाद मत्तई को नाम लेके बुलाया, जक्कई को नाम लेके बुलाया, और पुराने नियम में एक चीज देखिए, शमूएल को नाम लेके बुलाया, शमूएल को बुलाया, बड़ा विचित्र ढंग से उसको बुलाया। देखिए कैसे, वो जब छोटा सा 10, 11 या 12 साल का था उस समय, जहाँ तक मेरी मेमोरी पढ़ा हूँ मैं, तो उस समय तब तक उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसने बुलाया तो ये बच्चा उठ के एली के पास गया, तो एली के पास गया तो एली बोलता है नहीं मैं नहीं बुलाया, चले जा। दोबारा फिर बुलाया तो फिर ये एली के पास गया, एली बोलता है देखना दोबारा एली हो गया, दोबारा एली बोलता है मुझको नहीं मालूम तू जाके सो जा, फिर तीसरी बार बोला, एली बोलता मुझे नहीं मालूम। तो तब तक इस परमेश्वर जो है इस शमूएल को बुलाता रहा जब तक कि एली ना पहचान जाए कि परमेश्वर शमूएल से बात करना चाहता है। तो जब एली पहचान गया उसने बोला परमेश्वर बोल, तब परमेश्वर, मेरे को लगता है कि परमेश्वर जो है कुछ एली के आवाज को लेके शायद मिमिक्री करते हैं जैसा ना, उसकी आवाज में कुछ ऐसा बोला कि ये लड़के को लगा कि गुरु बुला रहा है और दौड़ा वहीं पर, नहीं तो और कहीं बाहर जाके देखता ना इधर उधर, लेकिन आवाज उसकी एली की लगी इसलिए वो भागा होगा। और वहां पर देखिए परमेश्वर एली को बताना चाहता है कि मैं इसके साथ बात करना चाहता हूं, यदि पहली बार बोल देता ना तो शायद वहीं पर दूसरी बार में परमेश्वर जो है इसके साथ बात करने लगता, लेकिन एली की जो है तीसरे बार के बाद पहचाना, जब वो पहचाना अब वे बोलेगा तो परमेश्वर मैं सुन रहा हूं तू मेरे से बात कर करके बोल, तब जो है पहला शमूएल जो है उसके साथ बात किया, शमूएल के साथ नाम लेके बात किया। सबको नाम लेके बुलाता है, हम में से कई लोगों को नाम लेके बुलाता है, आज भी नाम लेके बुला रहा है, लेकिन इधर से सुनते और इधर से निकल जाता है, इधर होता है असर लेकिन उसको नहीं होने देते, क्या बोलते अभी नहीं अभी तो टाइम है बाद में करेंगे, तू बाद में कब करेगा, तेरा कल कभी नहीं आएगा, याद रखना यदि आज रात को वो आता है तो फिर क्या होगा, आयु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु का किसी के साथ संबंध नहीं है, डेथ इज नॉट रिलेटेड विथ एनीथिंग, जैसे एज हो, धन हो, संपत्ति हो, क्वालिफिकेशन हो, योग्यता हो, तुम्हारी सुंदरता हो, तुम्हारा ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, कुछ भी किसी के साथ संबंध नहीं है, फटाक से जाता है। एक बच्चा बेचारा, बाप नहीं था उसका, छोटा बच्चा, उसकी माँ टेलरिंग कर करके उसका पेट पालती थी, तो छोटा बच्चा बोलता था माँ सबके पापा है मेरे पापा नहीं है, तो ये पाप कौन सी उम्र में मरते हैं पापा, कैसे उम्र है, कौन कौन सी उम्र है, कब मरते हैं, कैसे मरते हैं, तो वो ये अपना टेप थी ना गले में लटका के नापने का, वो दी बोले जा ये कब्रिस्तान बगल में जाके सब कब्रों को नाप, तेरे को समझ में आएगा, वो सोची थोड़ा टाइम तो पास होगा, बच्चा दिमाग खा रहा है, वो जाके सब करके आया और आके बैठ गया, तो माँ से बोलता माँ समझ गया, क्या कोई उम्र का कोई तगादा नहीं है, छोटे बच्चे भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, मोटे भी मरते हैं, पतले भी मरते हैं, पढ़े लिखे भी मरते हैं, अनपढ़े भी मरते हैं, कोई भी देश का हो मरते हैं, धरती पर पैदा हुआ तो मरना जरूर है, ये चीज़ बच्चे को समझ में आ गई, ये चीज़ जिस दिन हमको समझ में आ जाएगी ना, तो वो वाला डायलॉग जो बोलते ना चार दिनों की चांदनी, चार दिनों का जीवन बोलते ना, हर कोई बड़े इजीली बोल देते, लेकिन नाप तौल के देखो तो समझ में आ जाएगा, अक्ल खुल जाएगा, क्योंकि ये कहता है उसके नाम से बुलाया, एंड दिस वॉज ए सक्सेसफुल कॉल करके कहते हैं, एक सफलतापूर्वक न्योता था, बुलाओ बुलावा था, बुलाहट था, क्योंकि जक्कई जो है उसको देखना चाहा, मेरे देखने की इच्छा मेरे अंदर में होना चाहिए,
मैं बहल नाटा हूँ, भीड़ रहे, कुछ भी रहे, तरीका मैं खोज सकता हूँ। मैं शीघ्रता करके दौड़ दौड़ के गया और जाके उसने चढ़ गया और जब यीशु में पहुंचा तो कहा, हे जक्का झट उतरा। क्यों उतरा? कुछ नहीं पूछा, मतलब ही नोज हिज हार्ट, उसकी आवश्यकता को जान गया, उसकी चाहत को जान गया। मेरी आवश्यकता को जानता है, मेरी चाहत को जानता है, मेरी मेंटालिटी को जानता है, तुम्हारी औकात को जानता है, तुम्हारी क्या दृष्टि है जानता है, तुम क्या सोच रहे हो जानता है, क्या सोचने वाले हो जानता है, क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर है, सारे टेंस जो है एक है उसके निगाह में, वो देखता है। और जब कहीं झट उतरा, इमिडिएटली तू उतर के आकल था, मतलब इट वॉज ए सक्सेसफुल कॉल। क्योंकि जक्कई जो है 19:8 को पढ़ेंगे हम, बाकी ऊपर देखना, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में अवश्य है कि मत तेरे घर मुझको जाना है। और वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये भी बड़ा अच्छा एक्शन मेरे को लगता है। ये बोलता है कि तू कौन है, तू काय के लिए जा रहा है, तू मेरे को कैसे आएगा, मेरे घर क्यों आ रहा है, मैंने तेरे को बुलाया क्या, कौन तेरे को बोला मेरे घर जाने का, कुछ नहीं। क्या बोला? उतर कर आनंद से अपने घर ले गया। वी हैव टू रिसीव हिम विद अवर फुल हार्ट, पूरी चाहत से हमको उसको प्राप्त करना। हम जानते हैं यीशु मसीह को, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसके भय में रहते हैं, हम भक्त हैं, हम गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, सवेरे उठ के दुआ करते हैं, रात में सोने के पहले दुआ करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ है, प्रचार करते हैं, चर्च लेते हैं, सब कुछ है, टाइम पे चर्च जाते हैं, हर संडे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब तक वो आनंद हमारे अंदर में तब तक नहीं आ सकता जब तक हम उसको अपने घर नहीं ले जाएंगे। खाली चर्च में ही रखोगे तो हो गया, इतवार को अटेंड किए, फिर सोमवार से लेके शनिवार तक मेरी जिंदगी, और इतवार को फिर आ गए, हे प्रभु। ऐसा नहीं होता है, याद रखना। क्या बोलता है? हमें आत्मिक रूप से हाइट बढ़ाना है और हमें ईमानदारी से पेड़ से उतरना है। और ये उतरना पेड़ से, देखो मैं इसको एक चीज और बड़े ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं। बोलता है जक्कई तू पेड़ से उतर के आ, गुलर पेड़ से तू उतर के आ, गुलगोता पेड़ पे मैं चढ़ूंगा। कैसा रहा? तू गुलर पेड़ से उतर के आ, मैं तेरे घर आता हूं और मैं तेरे लिए गुलगोता पहाड़ के पेड़ पे चढ़ने वाला हूं। सब कुछ मैं तुम्हारे लिए देने वाला हूं। लहूलुहान हो गया, बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर। क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, तेरे दिए हुए संतान हैं, खुदावंद इनकी हिफाजत करने के लिए तू मुझे भेजा है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहता हूं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, और मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, छोड़ता हूं, सौंपता हूं, सब कुछ है। लेकिन पहले, इसके पहले मैं इनकी माफी चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पिछले हफ्ते ही मैंने बताया ना आपको, परमेश्वर प्रेम है। और जब जक्कई ओपनली कन्फेस करता है तो देखो सातवें वचन को छोड़िए, लोग कुड़कुड़ाने लगे, सब करने लगे। जब हमारा उद्धार होता है ना, सबसे पहले मैं भी, जब मेरा सबसे पहले उद्धार के लिए, जब मैं मेरे घर में दुआ प्रार्थना सब होता था, हर इतवार को रहता था, बड़ा लीडिंग पार्ट हमको करना ही पड़ता था, हमारे फादर के कारण से सब बिछाओ उठाओ ये करो, हारमोनियम बजाता था, गाना वाना गाते सब करते थे, लेकिन वो अंदर में वो चीज़ नहीं थी। लेकिन ये लगता था यदि मैं प्रभु को ग्रहण कर लूँगा ना तो फिर मेरे ये दोस्त छूट जाएगा, वो दोस्त छूट जाएगा, ये वाला काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, मैं अलग साफ पड़ जाऊंगा, ये होगा नहीं। बाद में समझ में आया कि मैंने भी देरी कर दी, क्योंकि यदि और चाहे तो और भी अधिक पहले प्रभु को प्रार्थ सकता था कि जिस समय तुम उसको ग्रहण करो। आज तुम सुन रहे थे, आगे की चिंता मत करो, क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि तुमको परमेश्वर पर विश्वास है ना तो ये करो जैसे मैं दुआ करता हूँ, खुदावन मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे संभाल, मुझे बता कहाँ जाना है, मैं जाने को तैयार हूँ। आग में चलूँ तो तू वहाँ है,
पानी में जाऊं वहां तू है, पहाड़ पे चढ़ूं वहां तू है, मैदान में जाऊं वहां तू है, जहां मैं रहूं वहां तू है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, तू सब कुछ है। जहां पर सूखा है वहां तू पानी देता है, जहां मैं भूखा हूं तू वहां खाना देता है, और जितनी मेरी आवश्यकता है उतनी देता है, मेरी चाहत को पूरा करता है, मेरी मांग को पूरा करता है। तभी तो आज मैं जिंदा हूं, तभी आज मैं तेरे पीछे हूं, तभी मैं तुझे जानता हूं, अपने दिल से मैं तुझे जानता हूं, क्योंकि तू प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, सब कुछ भरा हुआ है तेरे अंदर में, कोई कमी नहीं है। जब तू मिल जाए तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं चाहे यहां रहूं, चाहे वहां रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, मैं तेरा रहूं, यही मेरी दुआ होनी चाहिए, यही हमारी दुआ होनी चाहिए। याद रखना, ये 8वें वचन में कहता है, 19:8 में कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ये है सैक्रिफाइस यार, ये है रिपेंटेंस, ये है सही पश्चाताप। मैं अपनी आधी संपत्ति दे देता हूँ तेरे को, क्योंकि ये आधा जो मैं कमाया उसका आधा मैं तेरे को दे देता हूँ, गरीबों बांट दे, जो काम करना चैरिटी में कर, जैसा कर, जो करना है कर, जैसे तू कर। और फिर उसके बाद और क्या कबूलता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। मेरे को लगता है ये जब ऐलान किए ना, कई लोग आते होंगे, दरवाजा खटखटाते होंगे, बोले कि हेलो हेलो हेलो, बोले क्या जब कई साहब, आप मेरे से इतना पैसा ले लिए थे जबकि मुझे देना था इतना, और आपने लिया मुझसे उतना। मैं पूछा क्यों, तो बोले चुपचाप जा करके, तो हम डर के मारे चले गए, तो बोले कितना था, 1000, 4000 ले, 1,00,000, 4,00,000 ले, चौगुना चौगुना देने को तैयार। ये है सही पश्चाताप, मतलब उसको पता लगा कि ये बिलोंगिंग उसकी कुछ नहीं है, उसके पास उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि बल्कि खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता, मर के क्या उठा के ले जाएगा तू, खाली कब्र में जाएगा, और तेरे कोई साथ देने वाला नहीं है। वो 6 फुट का गड्ढा है, वो भी साथ नहीं देगा। जब यीशु मसीह आएगा से तो ये भी सौंप देगा तू, मतलब कोई भी साथ नहीं देने वाला। याद रखना एक चीज है कि तू तू तू, मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी हूं, तू अपना जिम्मेदार है। और जब ये होगा, हमें आत्मिक रूप से अपनी हाइट को बढ़ा लेना है, और आत्मिक रूप से हमको शैतान के उस भीड़ को हटा देना है, और उसके बाद सारे चुंगल से निकलकर प्रभु की आवाज को सुनना है, और आवाज को सुनने के बाद हमको पश्चाताप करना है, उसको देखने के बाद हमारे गुनाहों से हमको तौबा करना है। और जैसे ही हम पश्चाताप करेंगे, वो हमारे पास है, हमारे घर में ऑलरेडी है। लोग कह रहे हैं इसके घर में कैसे चले गया है, ये तो चुंगी लेने वालों का सरदार है, इसके साथ पापियों के साथ कैसे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वैद्य की जरूरत किसको है, अरे बीमारों को किसकी, डॉक्टर की जरूरत किसको है, बीमार लोगों को है। और डॉक्टर किसका इलाज करता है, बीमारों का इलाज करता है। तो मैं काहे के लिए आया हूं, बीमारों का इलाज करने आया हूं, मैं क्या आया हूं, पाप को हटाने के लिए आया हूं। जो अदन बगीचे में तुमने किया गड़बड़, उसको दूर करने के लिए आया हूं, ताकि तुम फिर से अदन के बगीचे में जाके रह सको, और मैं तुम्हारी संगति बनाए रखना चाहता हूं। मैं जब आया बोला तो बोले मैं नंगा हूं, बोलते हो तेरी नग्नता को ढाकने के आया हूं, हम आके बुलाऊंगा तो अपन एक साथ मिलके रह सकते हैं, प्रभु के मेज में एक साथ भागीदार हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पेड़ से उतरना भी है, चढ़े हुए चीज को हमको उतरना है, उतर के यीशु मसीह के साथ अपने घर में लेके जाना है। और जब यीशु मसीह जब अपने घर में आ जाता है ना, सारी शांति अमन चैन सब कुछ प्राप्त हो जाता है, चारों तरफ चाहे जो भी हो, जब यीशु मसीह मेरे अंदर में है तो मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई धरती पर नहीं है। मतलब दिल और दिमाग में छा के रहता है यार। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, देखिए आपने भी पढ़ा होगा, जॉन न्यूटन बहुत बड़ा वो था, गीतकार था, संगीतकार था, गीत लिखता था, संगीत का बजाने गाने वाला आदमी था। ये न्यूटन, जॉन न्यूटन जो है बहुत दुष्ट था, बहुत ही बदमाश किस्म का, गुंडा किस्म का आदमी था इसका, पूरा हिस्ट्री आप पढ़ के देखना इसकी, पर इसकी टेस्टिमनी जो है। लेकिन ये वही जॉन न्यूटन है जिसने पता नहीं हिंदी में गाने का क्या है, मैं तो बहुत याद करने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मसीह गीत संग्रह से देख सकते हैं, उसमें लिखा है अमेजिंग ग्रेस, जो पाक गीत है ना, उसको जॉन न्यूटन ने ही लिखा है। और ये प्रचार करता था, गाता था, बुढ़ा हो गया, मेमोरी उसकी लॉस्ट होती गई, और मतलब याददाश्त उसकी ख़त्म होती गई,
एक जगह खड़ा हुआ बोलने के लिए और बोलता है, मेरी मेमोरी पावर ठीक नहीं है, मैं भूल जाता हूँ क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता, सब चीज़ें भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन दो चीज़ें मेरे को याद है और रहेंगी और कभी नहीं भूलता। बोले क्या है? पहला, जीसस इज द ग्रेटेस्ट सेवियर, यीशु मसीह बचाने वाला है, सबसे बड़ा महान बचाने वाला, उद्धार का देने वाला है। और दूसरी चीज, आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर, और मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। सबसे बड़ा उद्धार करता है, सबसे बड़ा पापी है। ये दो चीज़ें मैं याद रखता हूँ और आज वही दो चीज़ आपको बताने चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये याददाश्त खत्म हो जाने के बाद भी तेरी याद को मैं दाद देता हूँ, सच में सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूँ। बोलो मैं हूँ, अपने को बोलो मैं हूँ। और मुझे बचाने वाला, सबसे बड़ा उद्धार का देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? मेरा यीशु मसीह, तू ही मेरा यहोवा है, तू ही मेरा यहोवा है, जो वाचा को पूरा करता है, हर प्रॉमिस को पूरा करता है। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं कहता है, वही है, परमेश्वर है, वही शालोम और शांति देता है। हमारे अंदर में शांति कौन देता है? पिता परमेश्वर देता है। और हमारे हृदय में चंगाई कौन देता है? हमारा परमपिता परमेश्वर देता है। हमारे अंदर में विजय कौन देता है? परमपिता परमेश्वर देता है। किसके द्वारा हम उस उद्धार को पा सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये झंडा कौन लेके हमको आगे बढ़ाता है? यीशु मसीह हमें आगे चलाता है। वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। और उसी को गीत के रूप में अपन सुनेंगे और उसके बाद दुआ करके आशीष के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज मुझसे और हमसे बातें की हैं। जो कुछ भी हमने सुना खुदावन, वो हमारे दिलो जिगर में बैठे रहने दे, दिलो दिमाग में बैठ जाए, निकलने ना पाए, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा सकें, अपने घमंड को नीचा करके खुदावन छोड़कर उतर कर तेरे पास आ सकें और तुझे अपने घर में ले जा सकें। सारी बातें हैं, शांति, अमन, चैन, सब कुछ तुझसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि तू शांति का दाता है। खुदावंद, आज की इन परिस्थितियों में हम सबको तू संभाले रखा है, धन्यवाद देते, सबको संभाल। जिसको तेरी आवश्यकता है खुदा, तेरे हाथ से उन्हें छू और उनकी सहायता कर, ताकि विश्वास में बढ़ सके, हमारा विश्वास बढ़ सके। हम चाहते हैं कि तेरा नाम, तेरी इज्जत, तेरी रोशनी बढ़ सके और हमारे अंदर से तेरी खूबी दूसरों को दिखाई दे। ऐसा जीवन, ऐसा चाल चलन, ऐसी गवाही और ऐसी सूरत हमारे अंदर में तू दे, ताकि तेरे नाम का जय जयकार हो सके। सारी चीजें तेरे अधीन है, आत्मा प्राण दय सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और दुआ बड़े आदर के साथ तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल कर, आमीन, आमीन। आशीष ग्रहण करें।
परमेश्वर जो शांति का दाता है, तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे देह प्राण और आत्मा को मसीह यीशु के आते तक निर्दोष और सुरक्षित रखे। परमेश्वर सच्चा है और ऐसा करेगा भी। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति संगति सहभागिता तुम में से हर एक के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।